और दो से ज़्यादा नशस्तों पर इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ कलअदम करार दे दिया। दरख्वास्त 30 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। मोहम्मद अशफाक से बात करेंगे। अशफाक, इस समाअत से मुतल्लिक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में दो से ज्यादा नशस्तों पर असम्बली का इलेक्शन लड़ने के इकदाम को चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाया तो एतराजी दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने समाअत की और रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज को कलअदम करार देते हुए दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने के अहकाम जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में लीगी कारकुन की जानिब से दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया कि दो से जायद नशस्तों पर इलेक्शन लड़ने से कौमी खजाने को अरबों रुपये का नुकसान पहुंचता है और वक्त का ज़िया भी होता है, जबकि भारत ने भी दो से ज्यादा नशस्तों पर इलेक्शन लड़ने के खिलाफ कानून साजिश कर रखी है। दरख्वास्त गुजार ने सजा की है कि अदालत इस हवाले से हुकूमत को कानून साजिश करने के अहकाम जारी करे और पिटीशन के हतमी फैसले तक इलेक्शन कमीशन को दो से ज्यादा नशस्तों पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी आयद करने के अहकाम जारी करे। तो अब अदालत ने इस दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया है और अब अदालत ने इस दरख्वास्त को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करने के अहकाम जारी कर दिए। शुक्रिया आपका इशफाक।